और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिए। जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया। कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है। क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था। अब मैं यहां आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार तो हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया। कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है। क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था, इसमें मेरी कोई गलती। आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? शर्वण जी। शर्वण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या उनका? शर्वण जी का? शर्वण चौधरी है उसका नाम, शर्वण चौधरी। तो शर्वण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए। हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए, सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता की नजर में ये चीजें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी, हमारे एसपी साहब के जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं, मैं किसी का काम लेता हूं तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बेवकूफ बनाया और मुझे भी बेवकूफ बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के, 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूं? इसमें दोष तो इनका है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहां के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए।